वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज वाली वीडियो में WCC 3 की न्यू अपडेट वर्जन 1.1.6 जो कि गाइज आने वाली है उसके बारे में बात होने वाली है। और गाइज उसके लॉन्च डेट बिल्कुल कंफर्म्ड बताने वाला हूँ। और गाइज मैं ये रिकॉर्डर से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि गाइज दूसरे डिटेल्स जो है वो वॉइस इशू कर रहे थे गाइज, इसीलिए मैं रिकॉर्डर से वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइज एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार आज वाली वीडियो में लॉन्च डेट कन्फर्म कर दूंगा रियल क्रिकेट 20 की, तो मैंने कर दी है कन्फर्म वो भी ऑफिशियली। और गाइज अब WCC 3 की बारी है। गाइज व्यूज तो आते नहीं रियल क्रिकेट 20 पे, इसलिए WCC 3 की वीडियो बनानी पड़ती है। तो गाइज आज वाली वीडियो में WCC 3 की लॉन्च डेट कंफर्म करेंगे और गाइज इसके बाद फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज की, ये जो न्यू गाइज स्क्रीनशॉट ऐड किया गया है WCC 3 का प्ले स्टोर पर, विनर ऑफ गूगल पे बेस्ट ऑफ 2020 अवार्ड यूजर्स च्वाइस, मतलब यूजर ने इसको वोट दिए, बहुत ज्यादा यूजर ने खुल के WCC 3 को वोट दिए हैं। और गाइज 2020 में जो प्ले स्टोर की यूजर्स चॉइस गेम है वो गाइज WCC 3 है। और गाइज इसमें गाइज 978 प्लेटिनम गाइज आपको गाइज मेरे ख्याल से आपको वो मिलने वाला इनाम। बाकी गाइज ये चीज़ें आपको पहले भी बताई, ये वही सीन है। और गाइज ये जो है वर्ल्ड टूर वगैरह भी ऐड कर दिया गया, लेकिन यहाँ आपको एक कमी नज़र आ रही है चैलेंज ऑफ फ्रंट की। तो गाइज चैलेंज ऑफ फ्रंट भी बहुत जल्दी आने वाला है, जैसे कि आप देख सकते हो मल्टीप्लेयर तो आ चुका है, बैटिंग राइवल्स हैं, ऑनलाइन राइवल्स हैं, लोकल राइवल्स एडेड हैं, लेकिन गाइज जो हमारे पास चैलेंज ऑफ फ्रंट है वो नहीं एडेड है। उसी के साथ हमारे पास जो हाईलाइट्स सेव करने का ऑप्शन है वो भी नहीं एडिड। तो गाइज अगर आप लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो गाइज मेरे ख्याल से इसकी जो लॉन्च डेट बनती है वो गाइज मिड दिसंबर बनती है, जो कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया। वो इसलिए मेंशन किया क्योंकि गाइज आपको पता है कि रियल क्रिकेट 20 और WCC 3 की अपडेट अक्सर आसपास आती है। वो तो पिछली अपडेट रियल क्रिकेट 20 की वैसे तो थोड़ी पहले ही क्या आई हुई है 14 अक्टूबर की, लेकिन WCC 3 की 13 नवंबर को आई थी। ये तो महीने का फर्क हो गया था क्योंकि WCC 3 ने कुछ खास अपडेट नहीं दी थी, बल्कि गाइज इस अपडेट में बस कुछ एड्रेस किए थे, बग फिक्स किए थे। तो गाइज 3-4 दिन के फर्क से अपडेट आती है। और गाइज एक बार ऐसा भी हुआ था कि वर्जन 1 की अपडेट और गाइज रियल क्रिकेट 20 की 3.7 की अपडेट इकट्ठी आई थी। तो गाइज इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियल क्रिकेट 20 की न्यू अपडेट जो आने वाली है गाइज वो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आने वाली है, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में आने वाली है। तो गाइज इसलिए मुझे भी लग रहा है इसी के आसपास है WCC 3 का वर्जन 1.1.6 लॉन्च किया जाएगा। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि गाइज जब एक क्रिकेट गेम थोड़ा आगे निकलने की कोशिश करेगी तो दूसरी क्रिकेट गेम ऐसा होने नहीं देगी, दूसरी कंपनी ऐसा होने नहीं देगी। मतलब नाटी लस्ट मोबाइल अगर अपने में टूर्नामेंट ऐड कर रही है, रियल क्रिकेट 20 को थोड़ा बेहतर से बेहतर बना रही है, तो गाइज WCC 3 भी जरूर ट्राई करेगी कि एक अच्छी अपडेट दी जाए, मेगा अपडेट दी जाए, जो कि यूजर के गाइज चैलेंज फ्रेंड वगैरह वाले जो फीचर हैं वो ऐड किए जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा गेम डाउनलोड भी की जाएगी और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी की जाएगी। तो गाइज इसलिए मुझे लगता है कि यार WCC 3 जो मिड दिसंबर में अपडेट ज़रूर लॉन्च कर सकती है। और गाइज अगर मिड दिसंबर में अपडेट लॉन्च होती है तो काफ़ी बढ़िया बात भी रहेगी, और मतलब कि ज़्यादा जल्दी अपडेट भी हो जाएगी। और चैलेंज ऑफ फ्रेंड और हाईलाइट सेव वाला फीचर ज़रूर ऐड होना चाहिए नेक्स्ट वाली अपडेट में। अगर नहीं ऐड होता है तो कुछ फैंस नाराज़ भी हो सकते हैं, लेकिन गाइज वैसे WCC 3 में 3 ने पिछले 6 से 7 मंथ से लगातार 6 से 7 मंथ से लॉन्च हुए नहीं हुए, गलती लग गई, मतलब कि पिछले 4 से 5 मंथ जितने भी मंथ थे हर मंथ में एक अपडेट या दो अपडेट दी हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है क्रिकेट गेम के लिए। और गाइज हाँ होना भी चाहिए ऐसे, अब इनको और कोई तवज्जो नहीं, एनिमेशन वगैरह की तरफ देखना चाहिए। तो गाइज आज वाली वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो गुड बाय।